हूँ सुरभि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। श्वेता तिवारी, जी हाँ, श्वेता तिवारी का नाम कॉन्ट्रोवर्सी के साथ जुड़ा ही हुआ है। उनकी पहली शादी राजा चौधरी से हुई, कुछ सालों बाद राजा चौधरी से उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी अभिनव कोहली से की। आपको बता दें कि राजा चौधरी से उन्हें एक बेटी है जिनका नाम पलक तिवारी है, और वहीं अभिनव कोहली से उन्हें एक बेटा है। लेकिन अब अभिनव कोहली के साथ भी श्वेता तिवारी के रिलेशन काफी खराब हो चुके हैं। जी हाँ, शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों अलग रहने लगे जब से उनका बेटा हुआ। और हालांकि आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही ये बड़ी खबर सामने आई थी कि किस तरीके से अभिनव कोहली श्वेता तिवारी के साथ मारपीट किया करते थे। हालांकि इसका खंडन अभिनव कोहली ने किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी श्वेता पर हाथ नहीं उठाया है। कई सारे सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने शेयर किए, लेकिन इसके बाद श्वेता तिवारी ने भी पलट कर इस पर जवाब दिया। उन्होंने भी एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया जिसमें काफी बुरे तरीके से अभिनव कोहली अपने बेटे को श्वेता से छीनते हुए दिखाई दिए। हालांकि इनके रिलेशन अब इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि अब असर इनके बच्चों पर पड़ने लगा है। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में अभिनव कोहली की मां यानी कि श्वेता तिवारी की जो सास है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि किस तरीके से जब राजा चौधरी ने श्वेता तिवारी को छोड़ दिया था, उनको तलाक दे दिया था, तो पलक की देखभाल कैसे अभिनव कोहली ने की थी। और भी कई सारी बातें हैं जो उनकी सास ने कही है और गंभीर आरोप लगाए हैं अपनी बहू पर कि किस तरीके से उन्होंने उनके बेटे को तोड़कर रख दिया, किस तरीके से उनके बेटे का घर बर्बाद कर दिया। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर अभिनव कोहली से कैसे श्वेता की मुलाकात हुई, कैसे इनके रिलेशन अब हैं और इनके घर वाले क्या आरोप लगा रहे हैं। अब तक श्वेता और अभिनव ने भी कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं एक दूसरे के ऊपर, काफी कुछ खुलासे इसके बाद भी हुए हैं, लेकिन श्वेता तिवारी हमेशा डट कर खड़ी रही हैं, अपने लिए लड़ती रही हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ती रही हैं। लेकिन अब उनकी सास क्या कहना चाहती है, उन पर उनकी सास का क्या बड़ा बयान आया है, क्या कुछ कहा है उनकी सास ने, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि कई बार महिलाएं अपने पिता के घर से ज़्यादा अपने ससुराल में खुश रहती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह क्योंकि उनकी परेशानियों को परिवार में ही सुलझा लिया जाता है। हो सकता है कि परिवार से उनका सामंजस्य कभी कभार अच्छा नहीं रहता हो, लेकिन इन सब के बाद भी उनके बीच प्यार बना रहता है। हालाँकि आपको बता दें कि कोई भी ये सोचकर शादी नहीं करता कि एक दिन उसे अलग होना पड़ेगा। यही एक वजह है कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसकी वजह से एक संयुक्त परिवार भी टूट जाता है। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना किया है। खास तौर से उनकी शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी चीज़ों को हमेशा ही अलग अलग रूप में पेश किया जाता है। राजा चौधरी संग पहली बार शादी टूटने के बाद अदाकारा ने अभिनव कोहली से शादी की, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच भी परेशानियां शुरू हो गई सेकंड मैरिज में ट्रबल के लिए। जहां कुछ लोग श्वेता तिवारी को जिम्मेदार ठहराते दिखे, तो वहीं कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया। हालांकि इसी बीच अभिनव कोहली की मां ने अपना भड़ास उन पर निकाला और अदाकारा पर निशाना साधा, जो दिखाता है कि बेटे का घर टूटता देख कितना मुश्किल होता है। दरअसल श्वेता तिवारी ने जब अभिनव पर बेटी पलक के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए थे, तब एक्टर की मां पूनम कोहली ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा था कि अभिनव और श्वेता के बीच पिछले 2 साल से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। हालांकि मेरा बेटा लगातार चीजों को सही करने में लगा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बन पाई। वह श्वेता के साथ रहना चाहता था क्योंकि उसका बेटा रियांश अभी बहुत छोटा है। उसका सपना है कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे रहे। हालांकि उन दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे थे। अभिनव तब से पलक का ख्याल रख रहा था जब वह एक बच्ची थी और राजा चौधरी ने उसे छोड़ दिया था। यहां तक कि श्वेता जब बिग बॉस के घर में थी तो उस वक्त भी अभिनव ने ही पलक का ख्याल रखा था। उसके स्कूल में प्रवेश लेने से लेकर पेरेंट्स मीटिंग और यहां तक कि उसके फीते बांधने तक अभिनव ने सब कुछ किया, लेकिन वे सब आसानी से भूल गए हैं। श्वेता तिवारी को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। श्वेता अभिनव को तलाक देना चाहती थी। मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे और श्वेता के बीच सब कुछ ठीक हो जाए।
हम ये सब अपने बच्चे रियांस के लिए करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है। मैं नहीं चाहती कि इन सब बातों का असर उसके दिलो दिमाग पर पड़े। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि पति पत्नी के बीच थोड़े बहुत मन मुटाव होना लाजमी है, लेकिन इस अनबन का असर तब परिवार पर ज़्यादा पड़ता है जब कपल के बीच तलाक की नौबत आ जाती है। तलाक लेने वाला जोड़ा भले ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, लेकिन तलाक की प्रक्रिया से गुजरने वाले हर परिवार के लिए यह आज भी मुश्किलों भरा कदम है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अब अभिनव कोहली की माँ ने जो सारी बातें कही है वो काफ़ी हैरान करने वाली है कि जिस तरीके से श्वेता तिवारी को लेकर उनकी माँ ने कहा कि जब श्वेता ने को राजा चौधरी ने छोड़ दिया था तब उनकी बेटी का ख्याल भी अभिनव ने रखा था, लेकिन अब जब उनका घर टूट रहा है, उनके बेटे का घर टूट रहा है, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। एक माँ के तौर पर उनका दिल टूटता है कि जिस तरीके से उनके बेटे का घर अब टूट चुका है। अब अभी वो चाहती हैं कि श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली अपनी बीच में सारी चीज़ें ठीक कर ले और जल्द सुलह करके साथ रहने लगे, लेकिन अब शायद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके रिश्ते में जो अब खटास आई है वो शायद अब कभी ना भर पाए। जिस तरीके से अभिनव कोहली ने हर बार श्वेता तिवारी पर आरोप लगाए हैं और जिस तरीके से श्वेता तिवारी ने भी हर बार पलटवार किया है और इनके बीच के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं जो अब शायद कभी ठीक ना हो पाए। जी हाँ, तो अब ये दोनों ही एक दूसरे से रिश्ता ठीक नहीं कर सकते हैं, दोनों अब अलग रहते हैं, साथ नहीं रहते। जी हाँ, तो अलग रहने का कारण भी यही है कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए जिसके कारण इन दोनों को ये फैसला लेना पड़ा और दोनों अब बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इनके बेटे की कस्टडी अब श्वेता तिवारी को मिल गई है, अब श्वेता तिवारी के ही पास उनका बेटा रियांश रहेगा। पिता अभिनव कोहली उनसे मिल सकते हैं लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए उसी सोसाइटी में रहकर उनसे मिल सकते हैं। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली का रिश्ता अब आखिर कैसा है। दोनों अब साथ नहीं रहते हैं, दोनों बिल्कुल अलग रहते हैं। भले ही आपको बता दें कि कस्टडी मिल चुकी है बेटे की श्वेता तिवारी को, लेकिन कहीं ना कहीं अभिनव कोहली को ये इजाज़त दी गई है कि वो अपने बेटे से आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं उसी सोसाइटी में जहां पर श्वेता तिवारी रहती हैं, और वहां पर कोई फैमिली मेंबर मौजूद होना चाहिए, मौजूदगी में ही वो अपने बेटे से मिल सकते हैं। हालांकि कस्टडी अब श्वेता तिवारी के पास है अपने बेटे की, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, दोनों ही बच्चों से वो बहुत प्यार करती हैं और अकेले एज अ सिंगल मदर उन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका भी निभाई है। तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।